हेलो फ्रेंड्स, आई एम सर्वेश एंड टुडे आई विल टीच यू सीएसएस। सीएसएस में आज मैं आपको बॉक्स मॉडल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। बॉक्स मॉडल क्या होता है? एक बैक पेज है, ठीक है। एक बैक पेज में कोई भी एलिमेंट, ठीक है, एचटीएमएल का कोई भी एलिमेंट होता है, उसके पास क्या होती है? कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, पैडिंग होती है, उसकी बॉर्डर होता है, उसका मार्जिन होता है, ठीक है। तो हर एलिमेंट के पास ये चीज़ें होती हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है। कंसिडर करते हैं, पैडिंग होती है, बॉर्डर होती है एंड मार्जिन होता है, ठीक है। कंटेंट क्या है? जैसे मैंने कोई पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ में कुछ कंटेंट लिखा, दिस इज माय फर्स्ट पेज या कुछ भी ए टू जेड जो भी मैंने कंटेंट लिखा, एंड उसकी फिर क्या होगी? उसके अंदर एक पैडिंग होगी, उसकी पैडिंग होगी, फिर उसका हम बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर आप समझते हैं बाउंड्री होगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट उसका मार्जिन होगा कि पेज में किस साइड ले जाना है उससे, मतलब लेफ्ट से 100 पिक्सल का मार्जिन देना है, राइट से देना है, तो वो उसे क्या कहेंगे? मार्जिन, ठीक है। तो अब मैं इसे आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल तैयार करता हूँ आपके लिए, ठीक है। एचटीएमएल एड टाइटल, टाइटल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं? बॉडी एड को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और बॉडी टैग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बॉडी टैग को स्टार्ट करके बॉडी टैग को क्लोज करते हैं, ठीक है। अब मैं एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है, डिव, और इसमें एक आईडी ले लेता हूँ, डिव आईडी 1 लिख देता हूँ, ठीक है, या फर्स्ट लिख देते हैं, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट लिए, इसको बंद कर देते हैं, इसको थोड़ा अलाइन करते हैं। इसमें मैं एक काम करता हूँ, एक क्या करता हूँ, H1 ले लेता हूँ, ठीक है, H1 ले लेता हूँ, ठीक है, और H1 में लिखता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये मेरा एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट है, वो किसमें है? डिवाइडी अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर CSS लगा देता हूँ। कौन सी? इंटरनल CSS। आपको पता है इंटरनल CSS कहाँ लगाते हैं? हेड टैग के बीच में स्टाइल टैग यूज करते हैं, देन उसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो आईडी को हैश के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हैश और आईडी का नाम हमारा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। अब इसका क्या करते हैं? बैकग्राउंड कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैक, इसको सेव कर लेते हैं पहले, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं हम बॉक्स मॉडल, ठीक है, बॉक्स मॉडल डॉट एचटीएमएल, ओके। नाउ अब क्या करते हैं? बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम इसका रेड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया। और कलर इसका कर दिया हमने, कलर कर दिया हमने इसका ग्रीन, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसको मिनिमाइज करते हैं और इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं, ठीक है। डबल क्लिक किया, ये देखिए मेरा आ गया कंप्यूटर, आ गया रेड कलर का इसका बैकग्राउंड और कंप्यूटर, ठीक है। अब क्या करते हैं? इसमें बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है, इसका बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर कैसे कर देते हैं? बॉर्डर कहते हैं 2 पिक्सल का बॉर्डर दे देते हैं, 2 पिक्सल का बॉर्डर देते हैं, और कैसा? ब्लू कलर का, ठीक है, ब्लू कलर का, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं कंट्रोलर, ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो चेक करते हैं फिर। सॉलिड बॉर्डर, सॉलिड ब्लू, ठीक है, ये देखिए हमारा सॉलिड लगाने से बॉर्डर आ गया, ठीक है, सॉलिड यूज करना पड़ेगा, बॉर्डर आ गया। अब आपने देखा कि ये हेडिंग है, अब इसका बॉर्डर आ गया और बैकग्राउंड कलर आ गया। अब मैं इसमें मार्जिन लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, इसमें आपको मार्जिन लगा के दिखाता हूँ, मार्जिन 100 पिक्सल। अगर मार्जिन आप डायरेक्टली यूज करेंगे, मार्जिन लेफ्ट या टॉप या बॉटम नहीं यूज करेंगे, तो ये क्या होता है, ये चारों को ले लेता है, मार्जिन टॉप लेफ्ट राइट एंड बॉटम चारों को ले लेगा, ठीक है। तो इसे चेक कर लेते हैं, ये देखिए इसने सेंटर में लिया, चारों तरफ से इसने क्या कर दिया, बॉर्डर दे, वो सॉरी मार्जिन दे दिया 100 पिक्सल, ठीक है। अब पैडिंग की बात करते हैं, ठीक है, अब पैडिंग की, ठीक है, पैडिंग
पैडिंग का भी सेम वही तरीका है, पैडिंग का भी मतलब वही तरीका है। 25 पिक्सल बहुत हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने कहा था मार्जिन, अगर मार्जिन लिखेंगे तो चारों ले लेगा, वैसे ही पैडिंग में अगर पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, अपने आप ऑलरेडी चारों को ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चारों के लिए 25 पिक्सल लग गए, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं, सॉरी टर्मिनेट कर दो, इसको चेक कर लो। ये देखिए इसमें क्या करा, 25 पिक्सल मार्जिन ले ली चारों तरफ से, ठीक है, चारों तरफ से 25 पिक्सल मार्जिन ले ली। पहले क्या आ रहा था, ये बिल्कुल इधर से आ रहा था, बट अब 25 पिक्सल का मार्जिन है। आप फिर से इसे चेंज करके देख सकते हैं पैडिंग, और एक काम कीजिए सिर्फ लेफ्ट लगाइए, ठीक है, या टॉप लगाइए, फिर देखिए चेंजेस, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ से लेफ्ट से जो है हमारी पैडिंग नहीं आ रही, तो अच्छा नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या है, हमारे पास बॉक्स मॉडल में पैडिंग होती है, मार्जिन होता है, बॉर्डर होता है, ठीक है, और कंटेंट तो है ही। कंटेंट के लिए क्या होती है, देखिए ये कंटेंट के लिए पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन, तो ये होता है हमारे बॉक्स मॉडल में जो हमें यूज करना होता है किसी भी एलिमेंट के, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।